राजधानी रायपुर के डीडी नगर थाना क्षेत्र में गुरुवार को दुकानदार के साथ बेरहमी से मारपीट करने वाले आरोपी रमेश यादव को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने बुजुर्ग दुकानदार के पैरों में गिरकर माफी मांगी। पैसों से जुड़ी बात के चलते घटना को अंजाम दिया गया था। मारपीट की यह वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था। आपको बता दें, कुशालपुर ओवरब्रिज के पास रेडियंट हॉस्पिटल के बगल में भुवनेश्वर साहू उम्र 45 वर्ष की चाय और डेली नीड्स की दुकान है। गुरुवार रात दो युवक बाइक से उसकी शॉप पहुंचे थे, जहां उन्होंने भुवनेश्वर साहू से सिगरेट का डिब्बा मांगा। इस पर दुकानदार ने उन्हें सिगरेट का डिब्बा दिया था, मगर रेट को लेकर दबंग उससे विवाद करने लगे। दबंगों ने दुकानदार से कहा कि तुम इतनी महंगी सिगरेट बेच रहे हो, हम पूरा लेना चाहते थे मगर फिलहाल एक ही दो। इसके बाद दुकानदार ने उन्हें एक सिगरेट दे दी थी और अपने पैसे मांगे, लेकिन आरोपी फिर उससे विवाद करने लग गए थे। उन्होंने फिर कहा कि तुम एक तो इतना महंगा बेचते हो, तुमको पता नहीं है हम कौन लोग हैं, हम यहाँ के दबंग हैं। इस बातचीत बाद दुकानदार और आरोपियों के बीच जमकर विवाद शुरू हुआ था। विवाद इतना बढ़ गया था कि आरोपियों ने पत्थर से पहले दुकानदार के सिर पर मार दिया, इसके बाद उसे दुकान से बाहर निकाल ली थी, फिर जमीन पर पटक पटक कर पीटने लगे थे। मारपीट के बाद आरोपी वहां से भाग खड़े हुए थे। पीड़ित ने थाने में मामला दर्ज कराया। घटना की फुटेज भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसके बाद पुलिस सरगर्मी से आरोपियों की तलाश में जुटी। पुलिस ने एक्शन लेते हुए शुक्रवार को श्रीरामनगर चंगोरा भाटक के रहने वाले आरोपी रमेश यादव को गिरफ्तार कर लिया। इसी ने दुकानदार को बुरी तरीके से पीटा था। आरोपी को पकड़ने बाद पुलिस उसे जीप में बिठाकर वापस उसी दुकानदार के पास लेकर गई। वहां पर दुकानदार को बाहर बुलाया गया। जैसे ही आरोपी ने बुजुर्ग दुकानदार को देखा तो उसके पैरों में गिरकर माफी मांगने लगा। उसने ऐसी गलती कभी दोबारा नहीं करने की बात भी कही। इसके बाद पुलिस ने आरोपी का इलाके में जुलूस निकाला। पुलिस ने मुख्य आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और उसके साथी की तलाश कर रही है।